नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मानसी मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर, यानी कि इस साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस में क्या खास है। तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जो कि पड़ रहा है 10 नवंबर 2023 को, यानी कि धनतेरस के दिन। अब आयुष मिनिस्ट्री ने ये जो दिन है वो स्टार्ट किया है सिंस 2016। तो ये हम स्पेसिफिकली धनतेरस के दिन ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, या धनवंतरी जयंती के दिन ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं। धनतेरस के दिन हम पूजा करते हैं भगवान धनवंतरी की, और आयुर्वेद में भगवान धनवंतरी को सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक माना गया है। तो उनके लिए समर्पित करते हुए आयुर्वेद को और ज्यादा जागरूकता बढ़ाने के लिए हम ये जो दिन है वो सेलिब्रेट करते हैं हर साल धनतेरस के दिन ही। तो आयुर्वेद क्यों उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आयुर्वेद का मानना हमेशा से ये रहा है कि स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और जितने भी रोग हैं उनसे मुक्ति देनी है। तो वो किस तरीके से की जाती है, ये उसके लोगों में ही स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है। अगर हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का जो लोगो बनाया गया है आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, अगर हम उस पर थोड़ा सा फोकस करें तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने उनके लोगों के थ्रू ही बहुत कुछ समझा दिया है। तो अगर आपने नेशनल आयुर्वेद डे का जो लोगो है उस पर फोकस किया होगा तो आपको दिखा होगा कि जो लोगो का मिडिल पार्ट है उसके अंदर भगवान धन्वंतरी की छाया चित्र बनाई गई है, जो कि चिकित्सा के भगवान को सिंबलाइज करती है। इसके बाद लोगों में 5 पंखुड़ियां दी गई हैं, 5 पेटल्स दिए गए हैं। वो 5 पेटल्स डिफाइन करते हैं जो पंच महाभूत बताए गए हैं आयुर्वेद में, वो डिफाइन करते हैं उसको। इन पंखुड़ियों के नीचे 3 सिंबल्स दिए हुए हैं, या 3 डॉट्स बताए गए हैं। वो 3 डॉट डिफाइन करते हैं वात पित्त कफ को, यानी कि जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत माना जाता है, जिसके जरिए ही हम इन तीनों दोषों को जानकर ही हम कोई भी चिकित्सा करने में समर्थ होते हैं। फिर तत्वों को घेरने वाला एक अंडाकार पत्ता है, जो कि इनका मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर, यानी कि किस तरीके से आयुर्वेद नेचर से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से हमारी जो पैथी है वो बहुत ज्यादा प्राकृतिक है, ये माध्यम के उपचार से ये बताता है कि हाँ, ये जो ये है कंप्लीटली हर्बल बेसिस पे है, कंप्लीटली पॉजिटिव बेसिस पे है, ये डिफाइन करता है। अब इस साल जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया में है, उसकी जो थीम है वो है वासुदेवम कुटुंबकम। उसके ही इस पे आधारित करते हुए इस साल जो आयुर्वेद दिवस है उसकी थीम दी गई है, हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद। यानी कि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ आयुर्वेद के डॉक्टर्स तक या उनके पेशेंट तक सीमित नहीं है, वो हर दिन, यानी कि आप हर डेली प्रैक्टिस में सुबह उठकर अगर आप काढ़ा पी रहे हो तो वो भी आयुर्वेद प्रैक्टिस है। अगर आप नस्य ले रहे हो, दैट इज ना गाय का या कोकोनट ऑयल, आप अपने दोनों ही नाकों में डाल रहे हो। अगर आप सर में तेल लगा रहे हो, अभ्यंग कर रहे हो, शीरो अभ्यंग कहते हैं, तो ये सभी चीज जो है वो आयुर्वेद का पार्ट है। ये हो गया आपका हर दिन हर घर हर किसी के लिए आयुर्वेद। अब इसको डिफाइन करते हुए उन्होंने स्पेसिफिकली विशेष 3 प्रमुख टॉपिक लिए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो ये है कि किसानों के लिए आयुर्वेद, दैट इज आयुर्वेद फॉर फार्मर्स। सेकेंड है छात्रों के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर स्टूडेंट्स। एंड थर्ड है जनता के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर कॉमन पीपल। अब आयुर्वेद जो है किसानों के लिए ये क्या डिफाइन करता है? अब हम हमेशा से जानते हैं कि बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं, बहुत सारे नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं इन कल्चर, तो फार्मिंग में आप और क्या नया कर सकते हो। तो ये मेरी स्पेशल अपील होगी उन सभी स्टूडेंट्स से जो कि रूरल एरिया में रह रहे हैं, जो कि गांव खेड़े में रहते हैं, और वो जानते हैं कि बहुत सारी न्यू टेक्निक्स आ चुकी है फार्मिंग के लिए। हम सभी जानते हैं जितने अच्छे ऑथेंटिक हर्ब्स रहेंगे हमारे पास, उतना ही अच्छा प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है, उतनी अच्छी मेडिसिन बनेगी, जितनी अच्छी मेडिसिन बनेगी उतना अच्छा वो कारगर करेगी। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देते हुए मैं बताऊंगी कि वैद्य माधव गायकवाड़, इनको तो हम सभी लगभग जानते हैं एज एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट, एज एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट फिजिशियन, कि ही इज वर्किंग वेरी ग्रेट। ये जो फार्मिंग या कल्टीवेशन का काम है वो उन्होंने कंप्लीटली उसको कैसे आयुर्वेदिक वे में डेवलप किया है, वो आयुर्वेदिक क्रॉप्स जितने भी हर्ब्स हैं वो सारे कल्टीवेट करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। तो इसी तरीके से और भी जो स्टूडेंट हैं वो उनसे सीख सकते हैं, इनकरेज हो सकते हैं, और वो अपनी ही फार्मिंग को और अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं। ये एक काम फार्मिंग के इसमें किया जा सकता है कि अगर हम कल्टीवेशन को आयुर्वेदिक इसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें, उनको अच्छी नॉलेज दें, तो आयुर्वेदा जो है और ग्रो करेगा फार्मर्स के लिए भी और नॉर्मल पीपल के लिए भी। सेकेंड,
छात्रों के लिए आयुर्वेदा यानी कि स्टूडेंट्स के लिए आयुर्वेदा, तो स्टूडेंट्स आयुर्वेदा में क्या कर सकते हैं? अब उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने बीएमएस ले लिया है तो बस सुबह उठना है, श्लोक्स पढ़ने हैं, उन श्लोक को बस ऐसे रीडिफाइन करना है, एग्जाम देना है, टॉप करना है और हो गया। नहीं, आयुर्वेद घर से स्टार्ट होता है। अगर आपको एक अच्छा आयुर्वेदिक फिजिशियन बनना है तो आप पहले जानो कि आपने फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, आप उसको डेली मर्रा की जिंदगी में कैसे अडेप्ट कर सकते हो। अगर दिनचर्या आप खुद फॉलो नहीं करोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि पेशेंट उसे फॉलो करेगा। इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल ये है कि सबसे पहले दिनचर्या के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आप खुद की लाइफ में अडेप्ट करना सीखिए। जब आप खुद अडेप्ट करेंगे, आपकी फैमिली उसे अडेप्ट करना स्टार्ट करेगी आपके साथ। जब आपकी फैमिली अडेप्ट करेगी, आपके रिलेटिव अडेप्ट करेंगे, आपके नेबर्स अडेप्ट करेंगे, धीरे धीरे आयुर्वेद खुद प्रमोट होगा। फिर जब पेशेंट हमारे पास आएंगे तो हमें उन्हें अलग से ऐसे दिनचर्या समझाना नहीं पड़ेगा। वो खुद आपसे कहेंगे कि हाँ ये तो मैं आराम से करता हूँ डॉक्टर, हम ऑलरेडी हमें बताया गया है। इस तरीके से आप बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट आयुर्वेदा को प्रमोट कर सकते हो इन अ हेल्दी वे बाय चेंजिंग द लाइफस्टाइल। अब इससे होगा क्या, अब बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा क्या आके बकवास बता रही है। इससे होगा ये कि हमारे पास बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। हम सुनते हैं अरे इसको डायबिटीज हो गया, इसको हाइपरटेंशन है, इसको थायराइड है, इनको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, पिछले 10 साल से ठंडी आते ही इनको ब्रोंकियल अस्थमा की तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आप कम कैसे कर सकते हो? जब आपको पता है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो क्यों ना इनके लाइफस्टाइल में ही चेंजेस की जाए। जैसे जैसे उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस होंगी, उनके मेडिसिन के काउंट अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हुई ना ही एक अच्छी बात। यही हर जो है जनता के लिए आयुर्वेद में भी काउंट होता है। जब जनता को हम जैसे आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स, आयुर्वेदिक पीपल उनको समझाएंगे कि सिर्फ मेडिसिन ही नहीं होती कि गिलोय सत्व लिया उसे खा लिया, नहीं, बल्कि आपका जो आहार है वो भी आपके मेडिसिन का काम करता है। जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं, उन्हें पता कैसे चलेगा? इस तरीके से जब हम आयुर्वेद को प्रमोट करेंगे तब जाके सही मायने में आयुर्वेद ग्रो करेगा, ना केवल आपके क्लिनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बट एक सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि धन त्रयोदशी से यानी कि धनतेरस के दिन से हम कुछ तो नया अडाप्ट करें। इन केस ऑफ फार्मिंग यानी कि मैं जैसे कि पहली अपील कर चुकी हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, एक पेड़ से स्टार्ट करो, धीरे धीरे खेती अपने आप आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा कोशिश करोगे, पहले लोग नहीं सुनेंगे आपकी बात, बट आप थोड़ा उनको कन्विंस करोगे, खुद अडाप्ट करना स्टार्ट करोगे, अपने आप लोग आपकी बात सुनना स्टार्ट कर देंगे। तो इस साल हम थोड़ा सा अडाप्टेशन लेकर आते हैं आयुर्वेद को एक हेल्दी तरीके से ग्रो करने के लिए। बाकी टीम मौर्या पब्लिकेशन की तरफ से मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्ते।